यहूदी का नसरानी का भी है। सही बात है। और पुरुषोत्तम में भी मर्यादा पुरुषोत्तम। हरे कृष्णा, हरे राम, सीताराम। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों की दया और कृपा दृष्टि से सब सही है, ऊपर वाले की दया दृष्टि से भी सही है, और हमको लगता है कि भगवान और ऊपर वाले की दया दृष्टि से आप सभी परिवार, समस्त परिवार सही ही होंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि बाबा जी आने वाले थे यहाँ पटना, बागेश्वर धाम के बाबा जी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। तो इसमें कुछ ऐसा पार्टी है जिसका नाम हम बोलना नहीं चाहेंगे, लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे मेरे सर पर टोपी लगा हुआ है, टोपी का मॉडल थोड़ा सा चेंज होगा, उस तरीके का आदमी है। अब जहाँ का वहाँ है वो बागेश्वर धाम के, छतरपुर के, मध्य प्रदेश के, जो मध्य प्रदेश के जो मुसलमान हैं वहाँ के जो लोकल मुसलमान हैं, इतना गुणगान करते हैं उसका। और उसके सभा में जब आप देखिएगा तो आपको मिनिमम कम से कम 10% तो ऐसा है मुसलमान मिल ही जाएगा, जो कि ओरिजिनल में वेशभूषा एकदम मुसलमान के हैं, दाढ़ी उड़ी से मुसलमान के हैं। और राम के पिता का नाम राजा दशरथ, दशरथ के पिता का नाम अज, अज के पिता का नाम रघु, जिसको रामायण में लिखा है रघु कुली रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। और रहीम को नो बाप है नो माँ है, है ना? और राम की बीवी का नाम सीता, उसके बेटे का नाम लवकुश, है ना? है? रहीम को नो बाप है नो माँ है, नो बेटा है नो बेटी, फर्क यही है। राम पुरुषोत्तम काला वेशभूषे से बैठते हैं, उसको कोई आपत्ति नहीं है, कोई टोकता भी नहीं है, और जाता भी है वहाँ पे, लेकिन मुद्दा हाईलाइट ना हो इसलिए वजह से दिखाया नहीं जाता है। और अपने सनातन में क्या है, शुरू से, आज से नहीं शुरू से, आप महाभारत रामायण सबको उठा के देख लीजिए कि अपने ही कास्ट के लोग अपने ही पीछे लगे हुए रहते हैं। अब देख लीजिए कि एक बार बस में हम जा रहे थे, उसका जो बैठ लिए थे ब्लॉगिंग के चक्कर में, एक चाचा जो बोल रहे हैं उसका हम सुने जो हम लोग बात कर रहे थे, वो भी बोलना शुरू कर दिया। तो पहले वीडियो देख लीजिए पूरा, भागेगा नहीं, ठीक है? वीडियो आप देख लीजिए तब आपको पता चलेगा क्या चीज़ है। तो उसको कितना ज्ञान है अपने राम के विषय में, पुरुषोत्तम राम के विषय में, आप पहले इसको देख लीजिए फिर बात करते हैं। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आपके हिंदू राष्ट्र में मुसलमान कहां जाएंगे और उनकी क्या स्थिति होगी? प्रश्न दो थे, उत्तर भी बहुत प्यारा था कि मुसलमानों को देश छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारे हिंदू राष्ट्र में सबको छाया मिले। बस हो गए, बोर हो गए वीडियो देखते देखते? बिल्कुल बोर नहीं होना है, और आपको देखना है और अपने अंदर में भी यह करना है। आप देख रहे हैं ना ये क्या है, तुझे मला है ना, ये जागरूकता की निशानी है। आपको जो आता है, आप महादेव का भक्त बनना चाहते हैं, श्री राम का, कृष्ण का, बजरंगबली का, पूजा भी कीजिए और भक्त भी बनिए उसका। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो देख करके, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक शेयर में कोई पैसा आपको नहीं लगता है, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी दिन रात तरक्की करें, आपके माता पिता, आपके घर वाले, आपके सारे पूर्वज, आपके सब खुशहाल रहें और धन रहें। तो आज तक के लिए इतना ही, आप वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को दिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हरे कृष्णा। हम किसी भी धर्म के कट्टर नहीं है, और टीकमगढ़ की यात्रा में जो आज तक कहते थे कि भारत के मुसलमान पत्थर फेंकते हैं, लेकिन भारत के टीकमगढ़ के मुसलमान ने राम की यात्रा में पुष्प बरसा करके स्वागत किया। हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम समाज का स्थान क्या और कहाँ रहेगा गुरुजी? किसी भी पंथ को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई एक मजहब की बात, किसी एक धर्म की बात होती नहीं। हिंदू राष्ट्र मतलब सनातन, सनातन मतलब सबका घर। लेकिन हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना बहुत स्पष्ट है, जिसमें किसी भी धर्म को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना हम छोड़ने देंगे। हाँ, किसी को दिक्कत है तो पासपोर्ट दिलवा देंगे। मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।